पर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल. जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है. जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं. और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को सातवें से पांचवें नंबर पर ले आए, दसवें से पांचवें पर और पांचवें से तीसरे पर लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को, यूपीआई सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में. और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में. काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट इज दैट शुड बी कॉपीड इन डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है, वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें. जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है. ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनके इनके इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है. आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं. बिल्कुल ऐसा ही सर, बल्कि एक चेंज जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की, जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए. मुबारकबाद उन्होंने भारत को दिए, जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है. मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है. और बल्कि मैं देखिए, आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं, आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये. बल्कि आरजू मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो. ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहां पर हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने, और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की ये के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके विगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते. आप उस चीज को आप के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती है, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको. ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अदबियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करो करें. और नेशनलिज्म देखें जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है. आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से. बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का, मिठाई का वो जो होता है ना सर, वो बड़े मजेदार होती है, जो देसी मिठाइयां होती हैं उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुंच जाएंगी. और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि लैंडमार्क चीज होगी. और खासकर हम जैसे लोग जो कि जिनके साथ हमारी सोचे हैं, चीजें हैं, मिलती है हर चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है. हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए. और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर. और साउथ पोल, और मैं एक पढ़ रहा था आगे के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे पानी का कुछ वहां पे सिलसिला है आगे फ्यूचर में. यहाँ अमेरिका से आपने देखा 2-3 कंपनियां इस पर कंपीट कर रही हैं, वहां ट्रेवल करने में रिचर्ड ब्रॉन्सन की कंपनी है, टेस्ला जो है हमारे उनकी 2 कंपनियां है कंपीट कर रही हैं स्पेस ट्रेवलिंग के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए. फिर लाइफ ऑन द मून इसके ऊपर भी किया जा रहा है, वहां पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के ऊपर, आइदर इज फिजिबल और नॉट.
लेकिन वहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में, और अगर कल भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है कल, और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए, देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा, कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कुछ ही खबर नहीं आती, लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, आपकी तरक्की पास है। बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं इंटरनेट पे सर, चैनल्स बैन किए हुए, लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी गवर्नमेंट को, कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है जैसे चंद्रयान 3? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है मोदी जी। देखिये, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और 3रे नंबर का वादा करना और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जेबें छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं, ये प्राइड है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, इकॉनमी है, वहां पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज है इसमें। तो फिर ये सारी चीजें किसको क्रेडिट जाता है? अल्टीमेटली ये मोदी जी को जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो नेशनलिज्म का दुनिया के अंदर एक मुख्तलिफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी कोलैप्स कर चुकी हैं सिवाय भारत के, मोदी जी की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। इससे पहले तो मखलूत गवर्नमेंट होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, कमजोर होती थी, फैसला साजी कर ही नहीं सकते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है 100% मोदी जी को जाता है। ये पाकिस्तान और दूसरे ममालक को भी कॉपी करना चाहिए, और मैं समझता हूँ इट्स वेरी सक्सेसफुल मॉडल भारत का। इसने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूलों के अंदर, ये जो मॉडल इस वक्त चल रहा है। इसकी बुनियादें खैर 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन स्लो स्पीड थी, अब तो फिर मोदी जी ने इसको स्टेरॉइड दिए, ना सिर्फ भारत बल्कि भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है वो दे आर वेरी नेशनलिस्ट, और वो तरक्की का बायस बन रहे हैं अपने मुल्क के लिए भी, रेमिटेंस बहुत भेज रहे हैं भारत में, इन्वेस्टमेंटें बहुत, फॉरन इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। मैं बार बार कई दफा आपके प्रोग्राम में बताया, फॉरन इन्वेस्टमेंट तब आती है आरजू जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जब जो इन्वेस्टर हो उसको पता हो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, मैं अगर वहां जाऊंगा मेरी जिंदगी सेफ है, तब होती है। और ये चीज हमारे पाकिस्तान में मेरी दुआ है कि वो भी इस तरह के हालात पैदा कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर और अदालतों के जस्टिस के हालात बेहतर हों ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें। कहने की बातें हैं दोनों आपके, पिछले शहबाज शरीफ साहब भी और अमीरुल मोमिनीन जो है हमारे पिछले जो अब जेल में है आजकल, इन दोनों का आइडिया यही था कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे तो दूध की नहरें चलेंगी। सबसे पहले तो ये देखें हम ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है, हमें आपने धक्के मार मार के वहां से निकाला है, पहली बात तो ये है। हम वापस जाएंगे तो हमारे बच्चों को आप क्या करेंगे, अगवा होंगे वो फॉर रैंसम के लिए, हम वहां जाएंगे हमारी गाड़ियां छीनेंगे आप, एयरपोर्ट पे हमारे साथ सौदेबाजी करते हैं आप, एयरपोर्ट से आप हमें फॉलो करते हैं, लूटते हैं आप, अदालतों में थानों में हमारी बोलियां लगती हैं, तो क्यों जाएंगे पाकिस्तानी? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ शहबाज शरीफ, आपके अपने बच्चे सारे लंदन में बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी लंदन में है, आप उसको क्यों नहीं लेकर पाकिस्तान जाते? अमीरुल मोमिनीन से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे क्यों नहीं आप लंदन से पाकिस्तान? आपने बल्कि खुद एक दफा फरमाया था ये अभी महीना दो पहले कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ आए, आपके बच्चों के लिए सेफ नहीं है तो आप मुझे कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा? लेकिन सर बच्चों से मुझे याद आया कि वो बटग्राम में जो हादसा हुआ है सुबह, वो बच्चे
कितने 12 घंटे बेचारे हवा में जो है कहना चाहिए लटके रहे, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आते, ये तो हाल है पूरी दुनिया ने देखा। बीबीसी पे मैंने खुद सुबह उठाऊं तो पहला चैनल बीबीसी मैंने ऑन किया तो सबसे पहले मुझे बुला लगा आपकी बात मिलू की टूरिस्ट किस तरह जाएंगे आपके, जब आपके धमाके पर धमाका हर शहर में हो रहा है तो टूरिस्ट के साथ में जाएंगे, वो अंधा होगा आंखों से तो बहरा होगा कानों से जो टूरिस्ट चला जाएगा, वरना आप टूरिस्ट की बात करते पाकिस्तानी डरते हैं दो दफा पाकिस्तान जाने से। तो हमारे इन्होंने सर इन्होंने चेयर लिफ्ट कैसी लगाई थी कि वो टूट गई बीच में और बच्चे बेचारे कितनी देर डरे सहमे रहे। वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के हालात बल्कि मैं कह रहा हूँ कोई रेगुलेशन कोई नहीं है, किसी कानून को फॉलो नहीं किया जाता, हर चीज में तो रिश्वत इन्वॉल्व है, रस्सियों से बांध के बच्चों को वो इस तरह की चेयर, ये चेयर लिफ्ट थोड़ी थी, वो तो एक ड्रामा सा बनाया हुआ था नदी को क्रॉस करने के लिए और उसमें फंस गए, फिर हेलीकॉप्टर और फिर सारा चीज, सारा दिन पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। और ये एक तमाशा नहीं है, वो जो मीरपुर के अंदर इन्होंने सिंध के अंदर जो वो बच्ची रेप करके फेंकी मार के वहां 6-7 और बच्चियां और निकल आई,